हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त आज आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पीस बता देती हूँ। तो ये मेरे 2.5 इंच के 8 पीस हैं, ये मेरे 3-3 इंच के 4 पीस हैं, ये भी मेरे 3-3 इंच के 4 पीस हैं। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इन 4 पीसों को आपस में अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे 4 पीस अलग हो गए। अब हमें इन 4 पीसों को इसके ऊपर रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको रख लिया है। अब क्या करेंगे, स्केल की मदद से बीच में लाइन लगाएंगे और लाइन लगा के हमें साइड साइड में से हम सिलेंगे। तो पहले मैं आपको एक लाइन लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी लाइन लग गई है। अब क्या करेंगे, हम बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलाई लगाएंगे और बाद में सिलने के बाद बीच की लाइन से कट करेंगे। तो मैं अपने 4 पीस इसी तरीके से लाइन लगा लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद सिल के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे पीस सिल गए हैं। अब हम इनको कट करेंगे। तो कट करने के लिए फ्रेंड्स, हम बीच वाली लाइन को ही कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बीच की लाइन से कट हो गया है। अब हम हमारे ये डबल शेड के पीस हो गए हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे तरीके से प्रेसिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने नेल्स की मदद से अच्छे से इस पर प्रेस कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसको 2.5 इंच नापेंगे और इसके जो कोने वगैरह हैं वो सब कट कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो मैं आपको सारे पीस कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस कट हो गए हैं और बिल्कुल 2.5-2.5 इंच की शेप से तैयार है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इनका डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो मैं अपना डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे और इसको यहाँ से सिलेंगे। ये हमने बारी बारी पीस लगा दिया फ्रेंड्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तब थोड़ा सा निशान लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपको कहाँ से सिलना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको पलटेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे और इसको भी यहाँ से सिलेंगे। तो ये हमने दोनों लाइन कर लिया सेट। तो हम इनको सिल के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको इस पर रखेंगे, सेंटर की बिल्कुल सिलाई पे सिलाई रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से पहले पिनअप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिन लगा ली है। तब हमें इसको क्या करना है, अब इसको हम यहाँ से पलटेंगे और यहाँ से सिलेंगे। यहाँ पहले पिनअप कर लेंगे, इसको भी यहाँ से पलटेंगे, यहाँ पिनअप लगा लेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको भी यहाँ पलटेंगे, यहाँ पिन लगा लेंगे और यहाँ से सिलेंगे। तो जोड़ पे जोड़ आने चाहिए फ्रेंड्स, वरना डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4 पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको इस पर रखेंगे, सिलाई को यहाँ से सिलाई से जोड़ेंगे और यहाँ सिलेंगे। पिनअप लगा लेना फ्रेंड्स पहले। अब इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पिन लगाएंगे और सिलाई से सिलाई को जोड़ेंगे और यहाँ सिलेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये दोनों पीस सिल गए हैं। अब हम इसको इस पे पलट के सिलेंगे और जोड़ से जोड़ को मिला लेंगे। यहाँ हमें 3 जोड़ लगाने हैं फ्रेंड्स, तो हमें उसी हिसाब से पिनअप करना है। तो मैं यहाँ से पहले पिनअप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिनअप को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको सिल देंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से जितना ये जितनी भी इंची हमारी लेंथ है, ये हमारी 9 इंच है, तो आपको 9 इंच का 2 बॉर्डर चाहिएंगे। एक इस तरफ लगाने के लिए, एक इस तरफ लगाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना फ्रेंड, फिर जब ये 2 पीस जुड़ जाए तब उसके बाद ये लेंथ नापना और तब इस इधर इस बॉर्डर को जोड़ना और इधर जोड़ना, 2 बॉर्डर चाहिएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर लग जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितना सुंदर बन रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।